देखिए, जो मॉनसून 27 जून को इस वर्ष वो अराइव किया था प्रदेश में, वो कल 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश से ही मतलब वो विड्रॉ हो चुका है। आंकड़ों की बात करें तो जो ओवरऑल सीजन है वो पूरे प्रदेश में ही मतलब सामान्य की श्रेणी में रहा है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर, कांगड़ा है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में मानसून सामान्य रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट चंबा, ऊना, हमीरपुर, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति, यहाँ सामान्य से कम रहा है। जो सबसे अधिक बार जो बारिश है डिपार्चर वाइज शिमला में रिकॉर्ड की गई थी, जहाँ सामान्य से 15% अधिक थी सीजन की, और सबसे कम लाहौल स्पीति में रिकॉर्ड की गई थी -69। और अगर मंथ वाइज बात करें, देखिए जून और जुलाई में जो बारिश थी वो सामान्य से काफ़ी कम रही थी। जून में -54% थी, जुलाई में -29। वहीं अगर अगस्त की बात करें तो सामान्य के आसपास थी, जहां वो एक्चुअल से -5% थी, जो कि सामान्य श्रेणी में थी। और सितंबर माह में जो एक्चुअल बारिश है वो सामान्य के आसपास दर्ज की गई थी, सामान्य से 4% अधिक। तो ओवरऑल सीजन जो है पूरे प्रदेश में सामान्य रहा है। 2 महीने तो जो सामान्य से कम था पूरे प्रदेश में, और जो अगस्त और सितंबर था वो सामान्य दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस सीजन में ऐसे कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग कोई मतलब इवेंट्स रिकॉर्ड नहीं किए गए, मतलब इन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो बारिश के इसमें रेफरेंस में ऐसे कोई मतलब रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ आपके। पिछले साल की अपेक्षा इस बार मानसून कैसा रहा प्रदेश देखिए, पिछले वर्षों की अपेक्षा बात करें तो 2023 में सामान्य से मतलब अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जो कि 21% अधिक थी, जो कि अबव नॉर्मल थी। और इस वर्ष थी जो -18% है, तो 2023 के कंपैरिजन में तो बारिश कम हुई है, बट ओवरऑल नॉर्मल की श्रेणी में है अभी बारिश। इस बार का मानसून लंबा चला है? देखिए, जो हमारी जो सामान्य डेट है वो आपके यहाँ से 24 सितंबर विड्रॉल की है, तो ऑलमोस्ट मतलब 4-5 दिन से डिले विड्रॉ हुआ है सच। देखिए, आगामी 4 से 5 डेज की बात करें तो केवल 5 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को जो हमारे हाई रिस्क क्षेत्र हैं, चंबा है, लाहौल स्पीति, यहाँ हल्की बारिश हो सकती है। बाकी जो हमारे प्लेनिंग क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पे मौसम मुख्यतः साफ ही रहेगा। और देखिए, तापमान की बात करें, अभी जो हमारे प्लेनिंग क्षेत्र हैं और जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ एवरेज 2 से 3 डिग्री जो तापमान है वो सामान्य से अधिक चल रहे हैं। और आगामी 4-5 जो दिन हैं इनमें भी जो हमारे जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं और जो प्लेनिंग क्षेत्र हैं, यहाँ जो दिन के तापमान हैं वो सामान्य से अधिक ही रहेंगे, 2 से 3 डिग्री। केवल जो हमारे हाई रिस्क क्षेत्र हैं, जैसे कुल्लू है, किन्नौर, वहाँ सामान्य के आसपास मतलब जो तापमान